आज की इस क्लास में हम बनाएंगे डैशबोर्ड। और हमारे पास में यहाँ पर तीन कॉलम हैं, जैसे कि स्टूडेंट नेम, स्कोर वन और स्कोर टू। ओके, हम बनाएंगे डैशबोर्ड और उसमें हम कुछ करेंगे मॉडिफिकेशन। मान लीजिए किसी कॉलम को मुझे रिमूव करना है या ऐड करना है, तो आज को मैं ये आज इस क्लास में मैं आपको ये सिखाता हूँ। तो सिंपल डेटा पे क्लिक करेंगे और देन क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, देन कॉलम्स में। ओके, क्लिक करते ही ये आपका चार्ट आपका आ जाएगा। ओके, और मान लीजिए इनके ऊपर मुझे लेबल्स अप्लाई करने हैं, तो सिंपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन एड लेबल्स लगा देंगे, अगेन राइट क्लिक, एड लेबल्स कर देंगे आप। ओके, मान लीजिए स्कोर वन को तो मुझे रखना है, स्कोर टू को मुझे रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्कोर टू मतलब ये जितने भी रेड वाले हैं, ये रेड वाले कॉलम्स हो जाएं रिमूव। तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट डेटा पे आएंगे, देन स्कोर टू पे क्लिक करके रिमूव कर देंगे। ओके, ये ओनली स्कोर वन का दिखा रहेगा। और मान लीजिए अब मुझे स्कोर वन दोबारा ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट डेटा पे आएंगे आप, और यहाँ क्लिक करेंगे ऐड पे, और क्लिक करेंगे सीरीज नेम पे। सीरीज नेम पे आप क्लिक करने के बाद में क्लिक करेंगे स्कोर पे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे, देन सीरीज वैल्यू पे क्लिक करेंगे, ये ले लेंगे आप। ओके कर देंगे। ओके, ये आपकी सीरीज वैल्यू आ गई, और मैंने यहाँ राइट क्लिक किया सीरीज वैल्यू पे, ये लेबल्स अप्लाई कर दिया मैंने। और इसका लेआउट मुझे चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि कॉलम रो बन जाए और रो कॉलम बन जाए, तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा स्विच पे। ये यहाँ पर सभी के नेम्स आ गए, यहाँ पर वो आ गए जी। अगेन सेलेक्ट पे क्लिक किया मैंने, और मैंने दीपक का रिमूव किया, ये दीपक का रिमूव हो गया। अगेन ये लोकेश का रिमूव किया, ये लोकेश का कॉलम रिमूव हो गया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास को मैं करता हूँ स्टॉप।